अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद में आपका फिर से बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने राउटर का, वायरलेस राउटर का जिसे हम डिवाइस भी कहते हैं, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको पता ही है कि टीपी लिंक का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो एडमिन एडमिन ही होता है, पासवर्ड भी और यूज़र नेम भी एडमिन एडमिन ही होता है। तो वो किसी को पता चल जाए तो वो आपके वाईफाई को हैक कर सकता है अगर वो आपके वाईफाई से कनेक्ट है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा और उसके अंदर अपनी डिवाइस की जो सेटिंग्स हैं उन्हें ओपन करना होगा। तो मैंने ये सेटिंग्स ओपन कर ली हैं। उसके बाद आपने सिस्टम टूल्स वाले बटन पर क्लिक करना है जो कि लास्ट में मौजूद है, और उसके बाद यहाँ पर ये पासवर्ड वाला ऑप्शन मौजूद है, इसे ओपन कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने ओल्ड यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो ओल्ड जो है वो हमारे पास एडमिन है, यहाँ पर भी एडमिन, और यहाँ पर आपने अपना नया यूज़र नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर शाहिद लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आपने अपना नया पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड मैं आपको नहीं बताने वाला। तो ये हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेना है, और ये आपसे दोबारा लॉग इन करने के लिए बोलेगा। तो आपने जो नया वाला यूज़र नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप लॉग इन करेंगे तो ये देखिए, ये नए पासवर्ड के साथ लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप वाईफाई के रिलेटेड और यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल स्मार्ट टेक को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।